फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से सुंदर से बेबी बूट लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा इस तरह से टू कलर का मैंने ये बेबी बूट बनाया है। ये 6 महीने से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इसकी बन के आई है। इस तरह से मैंने इसमें डोरी डाली है, एकदम शूज के डिजाइन में ये बन के आया है। तो देखिए, जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं और बुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारी सी फिटिंग बन के आई है। इस तरह से कहीं पर भी इसमें ज्वाइंट आपको नहीं मिलेगा। बगैर सिलाई किए हुए इस बूट को हम तैयार करेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। 6 महीने से लेके 2-2.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा, 6 मंथ से 2 ईयर बेबी के लिए। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की वूल ली है, एक रेड है, एक मैंने क्रीम कलर लिया है। और यहाँ पर मैंने इसके फंदे डाले हैं, जो 23 फंदे डाले हैं। 23 फंदे डाल के फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। डबल धागे से मैंने फंदे डाले हैं और 10 नंबर की मैंने ये नीडल ली है। नॉर्मल 4 प्लाई वाली वूल है जो ये सिंगल धागे की होती है, और 10 नंबर की सिलाई है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो 23 यानी 23 फंदे हैं। 23 फंदे डालने के बाद अब हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह करते हुए इसको हम बुन लेंगे। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे ही करते हुए पूरी रो को बुनेंगे। उल्टी तरफ से भी जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुन लेंगे। टोटल 6 सिलाई बुनने के बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी आगे डिजाइन कैसे डालेंगे। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए और ये बेबी बूट आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ से 6 सिलाइयाँ हम बना लेंगे। तो ये 6 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, दोनों तरफ से इसी तरह से ये बुना है, एक सीधा एक उल्टा। अब 6 सिलाई बुनने के बाद 7वीं सिलाई में हम अपना ये सेकेंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो सेकेंड कलर ज्वाइंट करके और इस पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे, इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन में ये बेबी बूट बन के आएगा। बेबी जुराब कहिए, सॉक्स कहिए, आप बूट कहिए, शूज कहिए, परफेक्ट फिटिंग के साथ ये बनेगा। और इसको मैं आपको स्टार्टिंग से ही बनाना बता रही हूँ, ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसी तरह से पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुन लिया। सातवीं सिलाई इस तरह से बुनी, 8वीं सिलाई को फिर देखिए, फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और किसी भी कलर में आप बनाइए, उसी कलर में ये बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा सूज बन के आएगा। 6 महीने से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज है। तो ये पूरी सिलाई को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। अब देखिए, जो लास्ट का फंदा है, धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे।
तो इस तरह से हमारी ये एक धारी बन के आ गई। इसी तरह से जैसे हमने ये रेड की दो सिलाइयाँ बुनी है, इसी तरह से बार बार रिपीट करते हुए ये जो ये लाइन बनी है ये 10 लाइन बना लेंगे। एक लाइन बन गई हमारी, 9 लाइन और बनाएंगे, यानी दो सिलाइयाँ बुनी है, 18 सिलाइयाँ हम और बुनेंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा। इस तरह से फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे, फर्स्ट फंदा उतारेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। तो इसकी ये आप 10 लाइनें सीधी तरफ से जो ये आएंगी ये आप बुन लीजिए, फिर आगे बताऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये लाइनें हमने बुन ली हैं, टोटल 10 लाइनें हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइनें बन गई हैं। अब देखिए इसके बाद हम इन फंदों को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में 9 फंदे रखेंगे, 2 4 6 8 और 1 9। 9 फंदों के बीच में देखिए पहचान के लिए हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे, इस तरह से 2 4 6 8 और 1 9। बीच में रखेंगे हम 5 फंदे, इस साइड में भी 9 2 4 6 8 9, एक मार्कर हम यहाँ पे लगा देंगे। मैं पहचान के लिए लगा रही हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्टिंग में 9 फंदे, लास्ट में 9 फंदे, बीच में 5 फंदे। अब हम इस शूज का ये एडी वाला पार्ट बनाएंगे, यहाँ से हम फंदों की कटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस सिलाई पे, फिर आगे ऐसे ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे बुने, फिर इस मार्कर को इस पे ले आएंगे, आगे की तरफ करेंगे। अब देखिए जो ये बीच के 5 फंदे हैं इसमें से 4 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब इस मार्कर को आप निकाल दीजिए। ये मैंने सिर्फ पहचान के लिए लगाया है। तो ये एक फंदा बीच वाला है, पांचवा फंदा, आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। फिर से वही ये 5 फंदे बन गए, एक फंदा ऐड करेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 3 4 5। अब देखिए इस मार्कर को भी यहाँ से निकाल लेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। अब देखिए ये फंदा ये बीच वाले फंदों में से है, एक आगे से लेके और 2 का 1 करेंगे, ऐसे एक फंदा ऐड करेंगे। अब धागा वापस यहीं से ही मुड़ेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6। अब ये फंदा एक आगे से लेंगे, आगे से ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा आगे से ऐड कर लेंगे, फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 3 4 5 6 7। अब ये 8वां फंदा एक आगे से लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा ऐड करेंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9वां फंदा एक आगे से लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा ऐड करेंगे, फिर यहीं से ही मुड़ेंगे।
इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब ये फंदा एक आगे से लेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा ऐड करेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये फंदा, और एक आगे से लेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा ऐड करेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, एक धागा पीछे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये फंदा एक आगे से लेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, एक फंदा फिर ऐड करेंगे, फिर वापस यहीं से ही मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक दो तीन, ऐसे ही बुनते हुए फिर लास्ट में जाके फिर से दो का एक बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए ये फंदा और आगे का दो का एक बनाएंगे इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे ही बुनेंगे। अब ये फंदा और लास्ट का दो का एक करेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ से हमारी एडी की घटाई शुरू हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच, तो अब हमारे पास ये घटाई होने के बाद टोटल इस तरह से घटाई हमारी ये एडी की आई है इस तरह से। तो देखिए इस तरह ये बन के आ गया है, और टोटल हमारे पास अब नीडल पे 13 फंदे हैं, 13 फंदे। अब देखिए ये सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। अब यहाँ से हम देखिए जो ये चैन आपको नज़र आएंगी, एक चैन से एक फंदा उठाएंगे, तो यहाँ से और यहाँ तक हम 11 फंदे उठा लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से उठाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, और देखिए ये यहाँ पे आपको चैन नजर आएगी, इसको नीडल में डाल लेंगे ऐसे, और इससे एक फंदा बनाएंगे, एक इसमें डाल लेंगे, दो फिर इसके अंदर डाल लेंगे, तीन फिर डाल लेंगे, चार फिर डाल लेंगे, पाँच फिर डाल लेंगे, छः फिर डाल लेंगे, सात। फिर डाल लेंगे आठ, फिर डाल लेंगे नौ, फिर डाल लेंगे दस, और फिर से डालेंगे 11। तो इसी तरह से हम ये यहाँ पर 11 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब यहाँ से वापस मुड़ेंगे, अब देखिए इसको उतारेंगे,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। ये 11 फंदे हमने उठाए हैं और 13 फंदे हमारे आगे के हैं, तो इनको भी बुनेंगे। अब देखिए, एक साइड से हमने 11 फंदे उठाए हैं, 13 फंदे सेंटर के हैं, और अब 11 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। तो इस तरह से दूसरी नीडल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे और इस तरह बना लेंगे। एक, फिर से इस चैन में डालेंगे। दो, फिर से इस चैन में डालेंगे। तीन, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से फंदे उठाए जाएंगे यहाँ से। ये चार, तो यहाँ तक हम 11 फंदे उठा लेंगे। तो अब देखिए, 11-11 फंदे हमने दोनों साइड से उठाए हैं और 13 फंदे सेंटर में थे, तो टोटल हमारे पास अभी 35 फंदे हैं। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे बन के आ गया है। अब इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से ये सभी फंदे हम बुन लेंगे। तो देखिए, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ गए हम सीधी तरफ, राइट साइड में। अब टोटल 35 फंदे हैं। अब हम यहाँ से फिर से घटाई करेंगे। तो देखिए, घटाई किस तरह से करेंगे। एक सिलाई को आप देखिएगा, फिर ऐसे ही इसकी घटाई करेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे उतार लेंगे और फिर दो का एक करेंगे। आगे से सिलाई डाल लेंगे, दो का एक बनाएंगे। फिर आगे के फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुनेंगे। लास्ट में जाके फिर से दो का एक करेंगे। सेम जैसे इस सिलाई में घटाई करेंगे, वैसे ही फिर आगे घटाई करेंगे। तो पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे लास्ट के तीन फंदे रहने तक। अब देखिए, लास्ट के तीन फंदे हैं, तो इन दो फंदों के दो का एक बनाएंगे आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे। फिर एक फंदा सीधा। तो एक फंदे की घटाई यहाँ से की, एक फंदे की यहाँ से की। उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे और पूरी सिलाई को फिर से सीधा सीधा बुनेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो अब आ गए हम सीधी तरफ। फिर से ऐसे ही घटाई करेंगे। फर्स्ट फंदा हम उतार लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे ऐसे। फिर पूरी सिलाई बुनेंगे लास्ट के तीन फंदे रहने तक। अब लास्ट के तीन फंदे हैं, तो दो फंदों का एक फंदा करेंगे यहाँ से घटाई करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए, एक फंदे की यहाँ से घटाई, एक यहाँ से। उल्टी तरफ से कोई घटाई नहीं करेंगे। तो इसी तरह से घटाई करते हुए हम ये फंदे घटाएंगे जब तक हमारे नीडल में 23 फंदे बचेंगे। सेंटर में 23 फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए, घटाई हमने पूरी कर ली है। इस तरह से घटाई होने के बाद हमारे पास ये 23 यानी 23 फंदे टोटल हैं। मैं काउंट करती हूँ, देखिए, दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक 23। टोटल 23 फंदे हैं। अब देखिए, इस तरह से हमारा ये पार्ट बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बगैर फंदा घटाए, बगैर फंदा बढ़ाए ऐसे ही बुनेंगे। 23 फंदे हैं और 8 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से
दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 8 सिलाइयाँ 8 रोज बुन लेंगे। तो देखिए 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी दोनों तरफ से बुन के कंप्लीट कर ली है। जो हमने यहाँ से फंदे उठाए थे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारी 11 लाइनें बन के आई हैं। अब देखिए टोटल हमारे पास ये वही 23 फंदे हैं। अब हम फिर से घटाई करेंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे और यहाँ से फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर सभी फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। लास्ट के 3 फंदे रहने तक ऐसे ही बुनेंगे। जैसे इस सिलाई में फंदे घटाएंगे, आगे भी हम इसी तरह से घटाएंगे। तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि बुनने में आपको आसानी रहेगी। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीं कहीं मिस हो जाते हैं और आपको बुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 3 फंदे हैं। अब यहाँ से फिर से 2 का 1 करेंगे, ये फंदा फिर से बना लेंगे। तो सीधी तरफ से हमने घटाई की है, उल्टी तरफ से हम कोई घटाई नहीं करेंगे। यहाँ से इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके का ये बेबी बूट है, बेबी शूज कहिए, गरम मोजे कहिए, बनाना बहुत ईजी है। जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसको बना लेगा। बहुत ही आसान डिजाइन है। तो इसको लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे। लास्ट का फंदा है साइड वाला, उसको उल्टा बुन लेंगे। ये लास्ट वाला फंदा है, धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुनेंगे। इस शूज में कहीं पर भी आपको सुई से सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, ये इसी तरह से ही सिलाइयों से ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर से ऐसे ही घटाई करेंगे, इसको उतारेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से सभी फंदे बनाएंगे। लास्ट में 3 फंदे रहेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से घटाते हुए इसको बुन लेंगे। तो ऐसे ही घटाएंगे, सेंटर में जब हमारे पास टोटल 9 फंदे यहाँ पे बच जाएंगे, तब तक हम इसकी घटाई करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से घटाई करते हुए हमने यहाँ तक इस पार्ट को बुन लिया है। अब 9 फंदे हमारे निडल पे हैं। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे, ये सीधी तरफ है, अब ये उल्टी तरफ है, ऐसे। अब देखिए दोनों तरफ से हम फंदे उठाएंगे, इस साइड से भी फंदे उठाएंगे और इस तरफ से भी फंदे उठाएंगे। तो अब 9 फंदे हैं हमारे निडल पे और 15 फंदे होने तक हम ये फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से ये चैन लेंगे, इस तरह से ये फंदा बुन लेंगे, फिर यहाँ से वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये चैन है, यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसको बुन लेंगे, 11। फिर यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से 1, 2, 3, 4 सभी फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेंगे। उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं उठाएंगे, सीधी तरफ से फंदे उठा के फंदे बढ़ा लेंगे, धागा अपनी तरफ इस तरह से। अब देखिए ये हमारा जो ये सूज है, इसका ये आगे वाला ये वाला पार्ट बन के तैयार होगा। तो इस पार्ट को, इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, अब देखिए फिर से यहां से चैन लेंगे इस तरह से और इस चैन को बुन लेंगे।
तो इसी तरह से हम निडल पर जब हमारे 15 फंदे हो जाएंगे तब तक हम यहाँ से दोनों तरफ से फंदे उठाते जाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ से फंदे उठा के हमने टोटल 15 फंदे बुन लिए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15। अब देखिए किस तरह से करेंगे। अब हमने फंदे यहाँ पे बढ़ाए बढ़ाए थे, अब फंदे साथ में बढ़ाए भीगे और घटाए भीगे। तो इस सिलाई को हम यहाँ से ऐसे ही बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से वापस मुड़ेंगे, अब इस फंदे को उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा धागा पीछे और ये फंदे लास्ट तक ऐसे ही सीधे बुनेंगे। इस सिलाई में हमने नहीं कोई फंदा घटाया है और नहीं कोई फंदा अब तक बढ़ाया है। अब लास्ट में जाके एक फंदा बढ़ाएंगे, यानी एक फंदा साइड से उठा लेंगे। तो ये लास्ट तक हमने बुन लिए, 15 फंदे हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, तो इस तरह से करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा उठा लेंगे। इस तरह से उठा लेंगे, अब यहाँ से वापस मुड़ेंगे। अब देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर उठा लिया है और साथ में ही हम इसकी दोनों तरफ से घटाई करेंगे। तो घटाई किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये फंदा फर्स्ट फंदा उतारेंगे जो बढ़ाया था और यहाँ से दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे ऐसे। तो एक फंदा बढ़ाया है, एक के साथ में घटाई कर दी है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 और 15 फंदा है, इसके दो का एक करेंगे। तो यहाँ से हमारी ये घटाई हो जाएगी, फिर यहाँ से एक फंदा उठा के और उसको बुन लेंगे। जो ये चैन आपको यहाँ से नजर आएगी, इस चैन के अंदर से फंदा लेंगे और यहाँ से उठा के बुन लेंगे ऐसे। अब वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ से फंदा उठाएंगे। इस तरह से चैन नजर आएगी, चैन के अंदर से ऐसे फंदा उठा के इसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब फिर वापस मुड़ेंगे, तो देखिए एक फंदा हम दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाएंगे साथ में, एक चैन से एक फंदा, एक एक फंदा साथ में घटा लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए टोटल ये 1, 2, 3, 4 टोटल 7 लाइनें हम बुन लेंगे। तो देखिए ये 7 लाइनें हमारी बन के कम्प्लीट हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से हमारी यहाँ तक टोटल 7 लाइनें हैं और ये हमारे 15 फंदे हैं। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे तो ये उल्टी धारियों का डिजाइन बनाया है। अब देखिए जैसे इस सूज में अब आगे का पार्ट हमने सीधे फंदों से बुना है, सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे, तो इसको अब ऐसे ही बुनेंगे, घटाई सेम ही चलती जाएगी। तो देखिए यहाँ से उतारेंगे और दो का एक करेंगे, दो का एक बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इनको
यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर देखिए यहाँ से फिर फंदा उठाएंगे इस तरह से। यहाँ अब हमारी ये टोटल 11 चैन बची हैं, 7 चैन थी जो इनमें हमने फंदे उठा लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चैन हमारी ये हैं। इसी तरह से हम यहाँ से फंदा उठाएंगे, फिर वापस ऐसे मुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम सीधी सिलाई नहीं बनाएंगे, उल्टी सिलाई बनाएंगे। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाएंगे इस चैन से, तो ये ज्वाइंट होता जाएगा और साथ में फंदा घटाते जाएंगे। अगर नहीं घटाएंगे तो फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। दोनों तरफ से एक एक चैन में से फंदा उठाएंगे। अब देखिए यहाँ से फंदा फिर से उठा लेंगे, ऐसे उठाएंगे। अब फिर सीधी तरफ आएंगे। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और दो का एक करेंगे और सीधा बुनेंगे। तो यहाँ से हमारा बुनाई का डिजाइन ये चेंज हो जाएगा, सीधी तरफ से सीधे और उल्टे तरफ से उल्टे। बहुत ही आसान डिजाइन है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कहाँ पर फंदे बड़े हैं और कहाँ पर फंदे घटे हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लास्ट में दो का एक करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम फिर से फंदा उठा लेंगे, ऐसे फंदा उठाएंगे इस तरह से। फिर यहीं से वापस मुड़ेंगे, फिर उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, लास्ट में एक फंदा फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ लास्ट तक हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से इस तरह से हमने एक एक फंदा उठाया है और एक फंदा घटाया है, इस तरह से यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब आगे हम यहाँ पर देखिए जैसे इस शूज में ये यहाँ पर बॉर्डर वाला पार्ट बना हुआ है ये बनाएंगे। तो देखिए फंदे घटाएंगे और इस पार्ट को बुनेंगे। तो देखिए फर्स्ट फंदा हम उतारेंगे, दो का एक करेंगे ऐसे, फिर ये फंदे बुनेंगे। टोटल 15 फंदे हैं, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे। यहाँ से फिर से दो का एक करेंगे, फिर लास्ट का फंदा बुनेंगे। और फिर देखिए अब यहाँ से उल्टी सीधी सिलाई नहीं बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी बुनी थी तो यहाँ से भी फंदा उतार के और ये फंदे सीधे बना लेंगे, पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। ये सीधी सीधी धारियाँ बन के हमारा ये यहाँ पे जैसे बॉर्डर बनता है इस तरह से बन के आ जाएगा। और 9 फंदे रहने तक दोनों तरफ से फंदे घटा लेंगे। लास्ट का फंदा उल्टा। तो अब फिर देखिए फंदे घटाएंगे तो फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे ऐसे, और अब फिर से यहाँ से दो का एक करेंगे इस तरह से। फिर लास्ट के 3 फंदे रहने तक ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए 6 सिलाइयाँ हमारी ये बनेंगी। दोनों तरफ से 3-3 फंदे हमारे कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ से हमारी ये दो का एक करेंगे, फिर लास्ट का फंदा ऐसे ही बनाएंगे। अब फिर से देखिए दो बार फंदे घटाए हैं, अब फिर से इस सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही प्यारी सी इसकी फिटिंग बन के आती है, पूरे पैर को ये सूज कवर कर लेता है, बहुत ही अच्छे से फिटिंग बन के आती है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए अब फिर तीसरी बार फिर से फंदे घटाएंगे तो यहाँ पे दो का एक करेंगे, तो 2 3
चार, पाँच, छः, सात, फिर दो का एक करेंगे आठ, लास्ट का फंदा नौ। तो नौ फंदे बच गए। अब फिर से देखिए इस सिलाई को, फिर से पूरी को बुनेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो नौ सिलाइयाँ बन गई। अब आ जाइए दस सीधी तरफ। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे। अब इस सिलाई को फिर से सीधा सीधा बुनेंगे बगैर फंदा घटाए हुए। इस तरह से ये तीन लाइनें हमारी बन गई हैं। अब उल्टी तरफ से अब हम इन फंदों को घटाएंगे। तो फर्स्ट फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को बनाएंगे और फर्स्ट फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से अगला फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से फंदा बुनेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इसी तरह से हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। इसके ऊपर से फिर से गिराएंगे। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको फिर से गिराएंगे। तो इस धागे को थोड़ा सा यहाँ से काट के और इसके अंदर से निकाल के नोट लगा दिया। धागे को कट करके यहाँ पे नोट लगा दिया। आप देखिए हम जो ये साइड वाला पार्ट है जिसमें डोरी डलेगी, ये पार्ट हम बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। तीन फंदे तो हम इस जो बॉर्डर डला हुआ इसमें से उठाएंगे और 11 फंदे इसके अंदर से उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। एक, दो, देखिए तीन फंदे इस पार्ट से उठाए हैं और जो बीच में ये यहाँ पे देखिए ये डिजाइन है, इसके अंदर से हमने 11 फंदे उठाने हैं। तो दूसरी सिलाई हम लेंगे यहाँ पे और इस तरह से फंदा उठाएंगे और इसको ऐसे सीधा बना लेंगे। एक, फिर से उठाएंगे दो, ये अलग से नजर आएंगे आपको यहाँ पे इस तरह से। तीन, तो यहाँ तक हम ये 11 फंदे उठाएंगे, यहाँ से 11 फंदे, टोटल 14 फंदे बन जाएंगे, तीन यहाँ से और 11 फंदे यहाँ से। देखिए टोटल अब हमारे पास ये 14 फंदे हैं, तीन फंदे यहाँ से, 11 फंदे आगे से उठाए। अब देखिए किस तरह से करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, पूरे सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, सॉरी। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से देखिए फिर से इस फंदे को उतारेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए दूसरी तरफ।
धागे को उतारेंगे, पीछे करेंगे और पूरे सिलाई को फिर से सीधा सीधा बुनेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये दो लाइनें बनने के बाद फिर हम यहाँ पर डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, फंदा बुनेंगे, फिर से एक बुनेंगे तो तीन फंदे बन गए धागा अपनी तरफ, फिर से दो का एक बनाएंगे, इसे दो फंदों का एक बुनेंगे, फिर से दो फंदे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे बनाएंगे एक दो, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक करेंगे, फिर लास्ट का फंदा भी सीधा बुन लेंगे। तो ये तीन होल हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। अब यहाँ से उतारेंगे और पूरी सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। इस लास्ट के फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये तीन होल इसके अंदर बन जाएंगे जो हम डोरी डालेंगे। तो अब फिर इस पूरी सिलाई को ऐसे ही धागा उतारेंगे, इन सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को बुनेंगे। इस तरह से अब यहाँ से सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा बुनेंगे, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। अब ये लास्ट का फंदा है, तो एक फंदा देखिए यहाँ से उठाएंगे, जो बॉर्डर वाला ये यहाँ से फंदा है, इसको बुनेंगे इस तरह से और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब इस धागे को कट करेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे, इस धागे को यहाँ से काटेंगे। इसके अंदर से निकाल के ऐसे कर लेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ डोरी डालने का पार्ट हमारा बन जाएगा। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, जो ये यहाँ से है तीन फंदे, इसमें से 11 फंदे यहाँ से उठा लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11, तो यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, इस जगह से फंदा उठाएंगे, बिल्कुल बराबर आएगा दोनों तरफ से। देखिए सूज हमारा बन के तैयार है और इसके अंदर मैंने ये डोरी डाल दी है। ये हमारा कहीं से भी इस सूज की सिलाई नहीं हुई है, बगैर सिलाई वाला बहुत ही सुंदर टू कलर में ये बेबी बूट बन के आया है। तो देखिए जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको ये बेबी बूट पसंद आए, बेबी सूज पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारे ये बेबी बूट कैसे लगे। थैंक यू।